मदा तमाम मुमिनीन को जश्न अलैहिस्सलाम की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं, सखी कदर है, और जब सखियों के यहाँ कुछ खुशी होती है तो वो अपने फकीरों को खैरात देते हैं। हम सब यहाँ पर दरे हुसैन पर अपनी अपनी खैरात लेने के लिए जमा हुए हैं, और सखियों का ये खासा है कि जब उनके घर में खुशी होती है तो खाली हाथ में भेजते हैं, और ये तो सखियों के सखी हैं। इनके घर से तो नॉर्मल डेज में भी, उनको कहूँ मैं वीक डेज में भी खाली नहीं जाता, तो ये तो वीकेंड है। तो बस यही कहेंगे सारे दिन वीकेंड है, इस दर पर सारे वीकेंड है, लोग समझे जाते हैं। बहरहाल मैं ईरान गया था उसी भाई, तो वहाँ एक बहुत हमारे जैद आलिम थे, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि बेटा एक बात मेरी याद रखो कि इमाम का जहूर और बीबी सैयदा की खुशी और गम दोनों ही जब मनाओ भरपूर तरीके से मनाओ, क्योंकि ये यकीनन हम तो उनके मानने वाले हैं जो लोगों को हक देते हैं, जो हक मारने वाले हैं उनमें से हम नहीं हैं। तो इमाम का कम से कम जो हक है हमारे ऊपर वो यही है कि उनकी अगर खुशी है तो उसकी खुशी को ऐसा मनाया जाए कि जिसका हक अदा हो सके, और गम है तो उसका भी हक अदा हो सके। अदा तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। तो आज की शब और कल की शब जो है वो इंतहाई अहम है, और यकीनन जो घरों पे सो रहे होंगे वो इस इबादत से महरूम रहेंगे, और जो मौजूद हैं जो आमाल में या जश्न में या किसी भी तरीके से इमाम की खुशी मना रहे हैं वो यकीनन लाइफ के तहसीन हैं और खुशनसीब हैं। मैं एक दफ़ा फिर अपने ब्रदर जनाब डॉक्टर आमिर रिज़वी का तहे दिल से ममनून मुतशक्किर हूँ कि वो हमारी गुजारिश में हमारे दरमियान अपनी अहम तरीन मसरूफियात को तर्क करते हुए यहाँ शामिल हुए हैं हमारे साथ। वैसे तो मैं भी सुबह 6 बजे को उठा हूँ, मुझे भी सब नींद आ रही है काफ़ी, लेकिन आप लोगों के धमकते चेहरे देख कर जो है वो थोड़ी बहुत मेरी नींद आई हुई है। और बाकी यह है कि बहुत ज़्यादा देर मैं नहीं पढ़ूँगा, जितनी देर पढ़ूँगा बस मेरा साथ देते रहिएगा, इंशाल्लाह लुत्फ आएगा और हम अपनी माम को राज़ी करने के लिए इंशाल्लाह कोशिश रहेंगे। मेरा भाई मुझसे भी कह रहा था फ़ोन पे कि मलाइका बैठे हैं, तो उसी को मतलब रखते हैं मलाइका के साथ मेरे मुमिन भी यहाँ तशरीफ़ फरमाए इंतहाई खूबसूरत, तो सिर्फ मलाइका को सुनाना हो तो घर भी सुना सकते हैं। ये कि यहाँ पर यकीन आप लोग सुनाने के लिए जमा हुए हैं, और ज़ैदी भाई भी बहुत अच्छी बहुत बड़ी सलमान ने बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह, और सलमान से पहले भी जिन्होंने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छा पढ़ा होगा इंशाल्लाह। बारह में पेश करूँ जल्दी जल्दी या महबूब से दुआ है कि इमाम का ज़हूर जल्द अज जल्द हो। या महदी 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 या महदी
Your presence will bring peace, harmony, and respect. You'll not come for a certain religion or sect. For Allah, for Quran, humankind you direct. For Allah, for Quran, humankind you direct. Truth and justice will spread in the light of Mehdi. Ya Mehdi, 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 Zulm ke aage sar na jhukate hue, haq ki khatir saron ko katate hue. Mere ghazi ka parcham uthate hue, mere ghazi ka parcham uthate hue, sab shahidon ne mil ke je awaaz di. Jesus will speak his words. Loyalty is to Mehdi. People don't be misheard. When struggle strikes upon you, say the pious words. When struggle strikes upon you, say the pious words. Jesus himself will say, not I have thee. Jesus himself will say, not I have thee. Ya Mehdi, Ya Mehdi, Ya Mehdi, Ya Mehdi, Ya Mehdi, Ya Mehdi, aisa matam baqiya mein hoga. समझोगे कर्बला और सजा पाएगा मुजरिम फातिमा, और सजा पाएगा मुजरिम फातिमा. है तमन्ना दिले सैयदा की यही. या मेहदी, या मेहदी, या मेहदी, या मेहदी, या मेहदी, या मेहदी.
अनु भाई ने एक हुक्म दिया मुझे, उसके चरण पेश करूँगा। उससे पहले एक मेरा दिल है कि एक मुसद्दर से मौला अशरद अली अज़र की, उसके चरण अशआर पेश करूँगा, आपके समाज में दर्जा करूँगा। बड़ा खुश मुझे अशरद अली अज़र अलैहिस्सलाम तरीन सलावात अल्लाह। बहुत कम मनाकिब सुनने को मिलती हैं शहजादे की शान में। ये एक नया काम है, साल पढ़ा था मैंने उसके चंदन से जल्दी पेश करा हूँ कि जबान जबान बख्श के असगर ने बेजबानी को जबान बख्श के असगर ने बेजबानी को कहा कि मैंने बनाया है जिंदगानी को
جاری ہے ابھی زمانہ میری معرفت سے آری ہے تو میں جو پیاسا ہوں یہ پیاس اختیاری ہے سوال کی دیکھ مثال تو میں جو پیاسا ہوں تو میں جو پیاسا ہوں یہ پیاس اختیاری ہے سوار دوست پیمبر میری سواری ہے سوار دوست پیمبر میری سواری سوار دوست پیمبر میری سواری شجاعت ابو طالب کا میں نتیجہ ہوں شجاعت ابو طالب کا میں نتیجہ ہوں جدے حسین پہ میں دولت خدیجہ ہوں نعرہ حیدری اور اجل نصیب و اجل خوف مجھ سکھاتی ہے سمات کریے میں دوستا ہوں اجل نصیب و اجل خوف مجھ سکھاتی ہے قضا قمیض ہے جھولا میرا جھلاتی ہے قضا قمیض ہے جھولا میرا جھلاتی ہے میرا مقام ہے کیا سب کو یہ بتاتی ہے اور علی کی تیغ مجھے لوریاں سناتی ہے علی کی تیغ مجھے لوریاں سناتی ہے خبر ہے سارے جہاں کو دلیر ہوتا ہے خبر ہے سارے جہاں کو دلیر ہوتا ہے علی تو نام کبھی ہو تو شیر ہوتا ہے حیدر 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 یا علی کیا کہا شہزادے نے سماعت کرے گا اے غافلو مجھے پیاسا سمجھ رہے ہو تم محاذ جنگ پہ تنہا سمجھ رہے ہو تم نہ جانے اور بھی کیا کیا سمجھ رہے ہو تم نہ جانے اور بھی کیا کیا سمجھ رہے ہو تم اور یہ بچپنا ہے کہ بچہ سمجھ رہے ہو تم یہ بچپنا ہے کہ بچہ سمجھ رہے ہو تم ہر ابتلا مصیبت کو ٹالنے کے لیے اشارہ کافی ہے زمزم نکالنے کے لیے کیا جب تھا نور علی یہ کلام اصغر کا سمجھ سکا نہ زمانہ مقام اصغر کا تمام ماں کو ہے تیرا اصغر کا نماز عصر پہ لکھا ہے نام اصغر کا نماز عصر پہ لکھا ہے نام اصغر کا حدود قلب بنا میں جہد زیادہ ہے زمانہ چھوٹا ہے اصغر کا قد زیادہ ہے سبحان اللہ جزاک اللہ رضوان بھائی مومنین کرام
اس جشن میلاد کو منعقد کرنے میں جن مومنات اور مومنین نے حصہ لیا ہے اور اس محفل میں شریک ہونے والے قصیدہ خوان حضرات خاص طور پر ڈاکٹر عامر رضوی صاحب، جناب برادر رضوان زیدی اور دیگر قصیدہ خوان اور تمام مومنین کی توفیقات میں اضافہ کے لیے بلند پر صلوات